गाइस वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम ब्लॉग। आज हम यहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन आए हुए हैं श्री भगवान बृहस्पति जी के मंदिर पे, जो कि काशी की पौराणिक मंदिरों में से एक है। आप देख सकते हैं दशाश्वमेध घाट का बहुत अच्छा व्यू है। दशाश्वमेध घाट की रोड है दशाश्वमेध रोड, और बहुत ही पौराणिक और बहुत ही अच्छा मंदिर ये है, भगवान श्री बृहस्पति जी का मंदिर। आप इस मंदिर की महिमा को देख सकते हैं। हर तरफ दर्शनार्थी खिले हुए चेहरे और डर मन से निकला हुआ और काफ़ी रोमांचित मुद्रा में यहाँ दर्शन कर रहा है। मैं भी यहाँ दर्शन करने आया हूँ और बहुत ही रोमांचक दृश्य है जिसको कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं आपको मंदिर का दर्शन करा रहा हूँ बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि यहाँ पर वीडियोज़ बनाने की मनाही है, तो मैं छोटा ही वीडियो आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ। बहुत ही पौराणिक और मान्यताओं से भरपूर काशी की अनूठी परंपरा और काशी की एक सांस्कृतिक धरोहर को सहेजे हुए ये बहुत ही आकर्षक मंदिर, जिसका कि जीर्णोद्धार भी किया गया और काफ़ी दिनों से यहाँ पर लोग दर्शन करते हैं। मैं नियमित यहाँ पर दर्शनार्थी रहा हूँ और बहुत ही अच्छा यहाँ का प्रांगण है, यहाँ पर सब लोग निस्वार्थ तरीके से दर्शन करते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर। आइए, हम इस मंदिर के दर्शन हमने कर लिए, अब हम यहाँ नीचे की तरफ सीढ़ियों से उतरते हुए आपको दृश्य दिखाते हैं। कितना सुंदर दृश्य, ये गोदौलिया चौराहे से आपको बृहस्पति मंदिर का है। बहुत ही अच्छा प्रांगण, और आज हमने गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ असीम कृपा प्राप्त की है। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, जिसका जो व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही आकर्षक मंदिर। यहाँ दर्शन कर लेने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो मैं भी अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पे आया हुआ हूँ और मैं भी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की इच्छा रखता हूँ। और मैं काशी के गुरु कहे जाने वाले बृहस्पति भगवान मंदिर पे आज दर्शन करने आया हूँ। ये दशाश्वमेध गोदौलिया मार्ग है, जो कि बहुत ही आकर्षक तरीके से, ऐसा कि आप जानते होंगे, वाराणसी और क्योटो शहर के जैसा ये जो किया गया है, एक बहुत ही अच्छा चित्रीकरण और सुंदरीकरण, वाराणसी का बहुत ही विहंगम दृश्य मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। और मैं यहाँ दर्शन प्राप्त कर चुका हूँ, अब आप देख सकते हैं। मैं दर्शन प्राप्त करके अब मंदिर के ठीक बाहर खड़ा हूँ। मैं नित्य नियमित आपको ऐसे ही वीडियोज़ काशी भ्रमण, काशी यात्रा और कॉम ब्लॉग चैनल पर मैं दिखाता रहूँगा। बहुत ही आकर्षक मंदिर का दृश्य, और यहाँ पर दर्शन करने के बाद दर्शनार्थी अपने आप में एक अभूतपूर्व शक्ति का एहसास करता है। अभूतपूर्व शक्ति जो कि देवों की शक्ति है। बहुत ही सुंदर दृश्य, बृहस्पति भगवान का मंदिर। ऐसे अपने घाटों के वीडियोस और काफ़ी वीडियोस मेरे आए हुए हैं, आपने कई देखा। आज यहाँ गुरु पूर्णिमा को हम मनाते हैं और भगवान बृहस्पति के बहुत ही विहंगम दृश्य का हमने दर्शन किया। इसी तरह बने रहें कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे और हमारे चैनल को सराहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। ये हमारे माला वाले भैया हैं, ये नियमित यहाँ पर माला और प्रसाद विक्रय करते हैं। हाँ तो भैया, माला कितने का हो जाता है बृहस्पति भगवान मंदिर का? माला कितने का हो जाता है, छोटा वाला? दर्शनार्थी की क्या, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है, आज दर्शनार्थियों की क्या भीड़ रही? कोरोना की वजह से दर्शनार्थी काफ़ी कम आए हैं, लेकिन उम्मीद रखी जाएगी। काशी है पापनाशी है, काशी में सारे पाप धुल जाते हैं, काशी को मोक्ष की नगरी कहते हैं। और गंगा आरती का भी बहुत अच्छा दृश्य मिलेगा, और ये ठीक सामने आप देखेंगे खिचड़ी बाबा का बहुत ही पौराणिक मंदिर है, जिसके की भी हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। सुबह के वक्त यहाँ पर खिचड़ी बनाई जाती है और वो खिचड़ी दर्शनार्थियों में वितरित की जाती है। इस प्रकार से आप आज हमारे साथ हमारे चैनल कॉम ब्लॉग पे भगवान श्री देव गुरु बृहस्पति, देवों के देव महादेव के साथ ही देवों के देव गुरु, देवों के गुरु बृहस्पति भगवान का बहुत ही प्राचीन मंदिर में हमने दर्शन का आपको दृश्य दिखाया, बहुत ही आकर्षक दृश्य। हालांकि फोटोग्राफ और वीडियोस बनाने की बहुत ही मनाही है, लेकिन मैंने किसी तरह से पुजारी जी से परमिशन लेकर यहाँ एक वीडियो शूट किया है। तो बने रहें हमारे चैनल कॉम ब्लॉग पे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। जय माँ गंगा, जय गुरुदेव बृहस्पति, हर हर महादेव।